So guys, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं iQOO के Zen 9 5G डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर स्मार्ट कॉल शेयरिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस अगर आपको भी अपने फोन के अंदर स्मार्ट कॉल शेयरिंग का एक्सेस करना है तो इजीली कर सकते हैं। मैं छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं स्मार्ट कॉल का एक्सेस कैसे करते हैं। गाइस फोन के अंदर स्मार्ट कॉल को ऑन करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। गाइस एक सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है जो है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। एक बार आप उसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपके पास स्क्रॉल करके वापस नीचे आना। एक सेटिंग्स और देखने को मिलती है जो है स्मार्ट मोशन सेटिंग्स, इसको प्रेस करेंगे एंड स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन आपको थर्ड वाला मिल जाता है, इसको प्रेस करेंगे। देन हमने चारों के चारों ऑप्शंस को इनेबल करके रखा हुआ है, बट ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं उसको आपको दिखा दें। देखो सबसे पहले तो आपने इस वाले ऑप्शन को अगर आपने अपर सबको हम डिसेबल कर देते, एक बार सबको हमने डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पर देखो व्हेन रिसीविंग ए कॉल प्लेस फोन नियर योर ईयर टू ऑटोमेटिकली पिक अप द कॉल। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को, पहले क्या था कि जो पुराना वाला फोन था उसमें एक डेमो आता था और उससे पता चल जाता था कि इस ऑप्शन का एक्चुअल में यूज क्या होता है। तो ये जो काम करता है ये फोन को रिसीव करने का काम करता है, जैसे आपने काम के पास लेके जाते फोन ऑटोमेटिक को पिक हो जाता है, दैट मींस कि रिसीव हो जाता है, आपको रिसीव करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हैंड फ्री कॉलिंग है, वेरी फोन टू अप योर ईयर, अगर आपने कान के पास ले जाते हो स्विच हो जाता है ये हैंडसेट मोड में। जैसे किसी से हैंड फ्री बात कर रहे हो और आप चाहते नहीं हो कि बटन से उसको हैंडसेट मोड में करें तो आप डायरेक्टली कान के पास लेकर जाएंगे तो वो हैंडसेट मोड में चला जाएगा हैंड फ्री मोड से। थर्ड है स्मार्ट म्यूट, अगर आपको म्यूट कर रहा है कि लाइक किसी प्लेस में है, किसी ऐसी जगह पर है जहां आपने रिंग टोन नहीं सुन रहा है तो आप इसको फ्लिप कर देना, जैसे कि कोई आ रही है कॉल वगैरह तो इस तरह से फोन रहेगा, फ्लिप कर देंगे तो जो है म्यूट हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग, ये वेव टू हैंड फ्री का ये फीचर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि अगर कोई कॉल वगैरह आ रही है किसी से बात करो तो इस तरह से वेव करना होता है तो कॉल हैंड फ्री हो जाती है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो बटन से भी कर सकते हो, बट दिखाना उखाना है तो कर सकते हो। सभी ऑप्शंस को चेक मार्क कर लेना और स्मार्ट कॉल आपके फोन के अंदर इनेबल हो जाएगा, देन आप इसको एक्सेस कर पाओगे फोन के अंदर। आई थिंक आई समझाऊंगे फोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग का एक्सेस कैसे करना था iQOO के Zen 9 5G डिवाइस के अंदर।